जबलपुर कलेक्टर कार्यालय में आज कैंट विधायक अशोक रोहाणी द्वारा दादा रोहाणी सेवा समिति माध्यम से ब्लड डोनेशन को लेकर एक एम्बुलेंस वाहन जिला अस्पताल विक्टोरिया को समर्पित किया गया। इस दौरान कलेक्टर भरत यादव एवं जिला अस्पताल के CMO मनीष मिश्रा भी मौजूद रहे। वहीं कैंट विधायक अशोक रोहाणी ने कहा कि ब्लड डोनेशन के लिए एक वाहन की आवश्यकता थी, जिसे देखते हुए दादा रोहाणी सेवा समिति द्वारा वाहन को जिला अस्पताल को समर्पित किया गया है, जिससे ब्लड डोनेशन के वाहन काम आ सके और ज्यादा से ज्यादा ब्लड मिल सके, जिससे जरूरतमंदों को तत्काल ब्लड मिल सके और ब्लड की वजह से किसी को परेशान न होना पड़े। इसके पूर्व जो हमारे बैठक हुई थी ब्लड डोनेशन पे, जिसमें हमने ब्लड डोनर्स को सम्मानित किया था, उस बैठक में माननीय रोहाणी जी ने और हमारे कलेक्टर साहब ने इस बात की ताकीद की थी कि ये जो ब्लड डोनेशन है ये गांव-गांव होना चाहिए। 28 लाख की आबादी वाले शहर को जितने खून की ज़रूरत है, उतने खून को सिर्फ शहर या एक दो तीन अस्पताल से करना संभव नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम गाड़ी लेके गांव-गांव जाएं और गांव-गांव में हम ब्लड डोनेशन करवाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़रूरत पे खून मिल सके। उसके साथ ही कलेक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि एक यूनिट ब्लड भी ख़राब नहीं होना चाहिए। इसलिए आप प्लानिंग करें और प्लानिंग के साथ अपने ऐसा काम करें कि जो भी ब्लड आए वो मरीजों के लिए यूटिलाइज हो, अलग से ना हो, मतलब उसका कोई वेस्टेज ना हो। और तीसरी चीज़ उन्होंने कही थी कि अगर ये ब्लड डोनेशन की जो वो है, ये ब्लड डोनेशन की करना है, ये बात अगर गांव-गांव तक फैलेगी तो ब्लड डोनेशन में बहुत बहुत ज़्यादा वो होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सकेगी। तो इस पुनीत कार्य में जो हमारे माननीय रोहाणी जी ने, जो अशोक रोहाणी जी ने जो ये एम्बुलेंस दी है, इसका हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम समझते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जो रोहाणी जी ने ये जो दिया है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। खून के कारण किसी व्यक्ति की, खून की कमी के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हो, ये OPD आज दादा रोहाणी सेवा समिति के माध्यम से ब्लड बैंक में एक वैन की आवश्यकता थी, जो सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर समर्पित की। यह ब्लड बैंक में जो वैन दी है, यह निश्चित रूप से ब्लड एकत्रित करने के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। वहाँ की आवश्यकता थी, निश्चित रूप से इससे दिन प्रतिदिन जो ब्लड की आवश्यकता रहती है वो लगातार जारी रहेगी। जबलपुर से कदीर खान की रिपोर्ट।